और आपको छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से मैंगो भी दिखाते हैं। मैंने सोचा कि आप डेली व्लॉग कर दें एक वीक तक, ये चैलेंज खुद से करते हैं, तो कंटेंट के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या निकल गया है। ये देखें, ये टमाटर भी निकल गया इसमें, ये रहा टमाटो का पिछले साल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली व्लॉग चैलेंज, और आज इस डेली व्लॉग चैलेंज का डे फर्स्ट है। तो हम ये डेली व्लॉग चैलेंज कर क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं अपने चैनल पे एक बूस्ट लाना चाहता हूँ। बूस्ट से मुराद के डेली अगर कॉन्टेंट बनाऊंगा तो रीच अच्छी मिलेगी, और बहुत से लोग मुझे ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो है ना अपने चैनल पर डेली व्लॉग अपलोड करो, तो उससे आपके चैनल को बूस्ट ज़्यादा मिलेगा और जो रीच है वो ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है इसके ऊपर, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं था। तो इस कंसिस्टेंट को लाने के लिए तो मैंने सोचा कि आप डेली व्लॉग करते हैं एक वीक तक, ये चैलेंज खुद से करते हैं। तो कंटेंट के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या होगा नेक्स्ट डे के अंदर, लेकिन ये कि आज का कंटेंट मुझे पता है। तो आज से ये व्लॉग हम जो चैलेंज है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का हमारा कंटेंट ये है कि हम टंडो हैदर जा रहे हैं मैंगो फार्म विजिट करने, जो कि मेरे फ्रेंड का है और बहुत दिनों से मुझे इन्वाइट कर रहा, तो मैंने सोचा आज मौका अच्छा है, आज ये व्लॉग बना देना चाहिए। तो आज मेरे साथ नाफे मौजूद है, वो अभी आ रहा है, तो जब वो आएगा फिर हम निकलेंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर इस व्लॉग को। तो जनाब इस वक्त मैंने नाफे को पिक कर लिया है, और ये हेलमेट वेलमेट सब फुल सेफ्टी के साथ हम जा रहे हैं, इसने सेफ्टी नहीं की भी, मास्क लगाया था सिर्फ। तो खैर अब चलते हैं सफर की तरफ, और फिर आपके साथ शेयर करते हैं आगे की सारी चीज़ें। जी इस वक्त हम पहुंच गए हैं टंडो हैदर की पुलिस चौकी पर, जहां पे शफीक अभी आने वाला है, और नाफे इस वक्त आके कैसा लगा आपको अब तक का सफ़र? पूरा एक घंटा हमें तकरीबन लगा है आने में, हालांकि रास्ते भी काफ़ी ख़राब लग रहे थे क्योंकि इसमें जाम था। ये मेरे पीछे जो आ ना आप देख सकते हैं, पूरा फार्म बना हुआ है, और ये मेरे ख्याल से अमरूद का है शायद, और बरसीम की कटाई भी हो रही है। तो पीछे होटल है, शफीक का वेट कर रहे हैं, वो आए फिर हम उसके फॉर्म पे जाएंगे। तो अभी हम मिल गए हैं शफीक भाई से, बड़ी दूर से हम आए, और ये भी बड़ी दूर से आए हैं, यहाँ से दूर है काफ़ी, तो चलते हैं अब उनकी फार्म की तरफ। और शफीक के बारे में आपको बता दूँ कि मेरे कुलीग भी हैं और दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, तो बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे आप विजिट करो, मैंने कहा आज मौका अच्छा है ब्लॉग बना देते हैं, तो अभी दूर जाएगा मैंगो फार्म, तो इनके फार्म पर चलते हैं। तकरीबन दो तीन एकड़ है, हाँ दो एकड़ है, दो एकड़ है तकरीबन इनके पास, और अभी फूल इसमें लग रहे हैं, तो अभी ये हमें, और क्योंकि इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा, 2015 से काम कर रहे हैं मैंगो के, तो इनके बाद इनसे भी थोड़ी कुछ नॉलेज हम भी लेंगे कि आम के बारे में कैसे निकलता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसकी बीमारियाँ वगैरह कुछ हमें भी पता है क्योंकि हम भी एग्रीकल्चर से हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल इनको पता होगी। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ, विजिट करते हैं। अच्छा ये क्या लगाया आपने? अच्छा ये नर्सरी भी इन्होंने लगाई हुई है, ये नए प्लांट लगाओगे? नए प्लांट लगाएंगे, लेकिन बाहर में गुंजाइश नहीं है लगाने के लिए। तो ये कहाँ लगाओगे? तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए हमने लगाई है, तो जो भी इसका ग्राहक होगा मतलब बेचने के लिए। और ये जो बंड बनाए हुए इसमें ओकरा लगी हुई है, अच्छा हमने लेडी फिंगर लगाई है, और भी काफी लगाई है, भिंडी लगाई, मतलब दो एकड़ के अंदर काफी अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे तकरीबन मैं सारी किचन गार्डनिंग करता हूँ, हाँ यहाँ पे पालक भी लगी हुई है। शफीक को बेसिकली किचन गार्डनिंग पसंद है, वो सामने भी कुछ लगा है, टमाटर भी लगे हुए हैं, टमाटर देखते हैं जरा और क्या क्या इनके बाग में है। अच्छा ये साइडों पे इन्होंने कितना अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है, इधर पालक लगाई हुई है, सारी पालक लगी हुई है, खीरों में जो है वो लगी हुई है, भिंडी लगी हुई है, इधर ये भिंडी लगी हुई है, ये टमाटर लगाए मैंने, टमाटर ये टमाटर, इसके तो फूल आ रहे होंगे अभी, टमाटर तो निकल गया है, ये देखें ये टमाटर भी निकल गया इसमें, ये रहा
टमाटो का पिछले साल साल नहीं तकरीबन 6 महीने पहले इसपे वो आई थी बीमारी, तो काफी ज्यादा जो है ना ये इसमें अर्ली ब्लाइट बीमारी आती है, लेट ब्लाइट, जिसकी वजह से काफी मतलब काला भी पड़ गया था और काफी फसल लोगों की खराब हुई थी और यही वजह थी कि टमाटर महंगे हुए थे। अच्छा, आज मुझे लग रहा पानी लगा है अपनी फसल में। आज पानी आया है। पानी कितने दिन बाद मिलता है आपको? ये हमें हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद पानी मिलेगा, और हर 15 दिन के बाद आप पूरे इसके ऊपर पानी लगाते हैं? पानी लगाते हैं। कितना पानी मिलता है, कितने घंटे में पानी? घंटा में पानी मिलता है, लेकिन आज इस तौर पर जो ना पानी कम आया था, लेकिन तकरीबन कुछ रह गया हमारा पास। अच्छा बंद, ये जमीनों के ना एक वो होती है रीत, वो ये होती है भाई कि आपको घंटे के हिसाब से पानी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि 1-2 घंटे जैसे इस जमीन पे आएगा पानी, वो भी 15 दिन के बाद, तो 2 घंटे किसी और जमीन पे जाएगा पानी, वो भी 15 दिन के बाद। तो इस तरह दिन लोगों के बंधे हुए होते हैं कि इस दिन इधर पानी आएगा, इस दिन उसकी जमीन पे पानी आएगा। ये आपने वीट भी लगाई हुई है छोटी सी जगह पे? घर के लिए लगाई है? नहीं, ये समझो कि हमने क्या कहते हैं, ये नहीं होते पेस्ट वगैरह। हाँ, गंदम की फसल लगी हुई है। वैसे अभी मुझे लगा आपने लेट सोइंग करी है। नहीं, ये अर्ली सोइंग है, लेकिन इसको खाद एक इतनी देर से क्यों नहीं? अच्छा, मतलब एक खाद भी नहीं दिया। ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, जब तो ये इतनी स्लो बढ़ रही है ना, अभी मैंने एक क्या कहते हैं फील्ड करी थी विजिट, उस पर तकरीबन वो गोल्डन हो चुकी है तकरीबन। अच्छा, पूरी फसल, क्योंकि उन्होंने यूरिया वगैरह लगाया हुआ। कल मैं गया था ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। आपके पास? मेरे पास तकरीबन तो काफी हैं, चौसा है। फूल आ रहे हैं क्या? हाँ, काफी माशाल्लाह काफी फूल आ रहे हैं। अलमास है, सिंदरी है, चौसा, देसी, लंगड़ा, ये सारी वैरायटी है तकरीबन। चलें फिर फूल वगैरह देखते हैं आम के, और आपको छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से मैंगो भी दिखाते हैं। लेकिन ये एक नेचुरली भी वो होती है, ब्राउन कलर उसका हो जाता है, ये मैच्योरिटी की तरफ जैसे जा रहा है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये फूल है आम का, क्योंकि जनवरी और फरवरी के अंदर तकरीबन फूल निकलना स्टार्ट होता है। हाँ, लेकिन फरवरी में फूल तकरीबन गिर जाते हैं, फिर उसमें लगता है फ्रूट, और आम का प्रोसेस यही होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो कितना सा छोटा सा मैंगो निकला है इसमें से, ये छोटे छोटे मैंगो इसमें बने हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंगो है छोटे छोटे, ये सबसे बड़ा मैंगो छोटों में से ये है, और बाकी ये सब छोटे छोटे से मैंगोज हैं जो अब तकरीबन ग्रो होना शुरू होंगे, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए। और इनमें कुछ ये बता रहे हैं शफीक मुझे कि माल फॉर्मेशन लगा हुआ है किसी किसी के अंदर, और माल फॉर्मेशन एक बीमारी होती है आम के अंदर, आम के अंदर तो खैर नहीं होती, उसके जो दरख्त होते हैं उनके अंदर होती है। फ्यूजीरियम इसका टेक्निकल एक वो होता है, कहते हैं कि उसकी वजह से होता है, काफी नुकसान होता है ऐसे पेड़ को। चलें आगे देखते हैं, विजिट करते हैं थोड़ा। ये रिस्की सफर आ गया थोड़ा सा, क्योंकि इस पे पांव रख के लेके जाना है, मैं गिन नहीं जाऊं, डर लग रहा, डायरेक्ट माल लगानी पड़ेगी चलांग। ये बड़ा डिफरेंट सफर है, गांव के लोगों के लिए तो आसान है, लेकिन नाफे के लिए भी मुश्किल है। ले, मुझे इसका फार्म इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसने छोटे से फार्म में जो है ना, छोटे से फार्म में इसने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे ये बनाना के भी इसने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये भी घर के लिए ऐसे शो किया? नहीं, ये हमने अपने खाने के लिए लगाए हैं। हाँ, लेकिन ये तो तकरीबन 6 महीने में एक बार आता है? 6 महीने में एक बार आता है, लेकिन इसकी उम्र तकरीबन 12 महीने से ज़्यादा हो गई है। तो अभी तक फ्रूट दिया नहीं है इसने, देगा पेड़ का कलर अच्छा आ रहा है यार। फार्म में ये चीजें नॉर्मल है, पेड़ के नीचे से निकलना, नहर के ऊपर से कूदना। लकड़ियों पे बनने वाली इस चाय का मजा ही अपना होता है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये गांव की चाय है जो कि शफीक ने बनवाई हुई है, और दूध भी यकीनन ये प्योर होगा, बिना पानी का होगा? नहीं, नहीं, बिना पानी का। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बिना, समझ लो कि बिना दूध के पानी मिलता है। यहाँ पे दूध मिलता है बिना पानी। नाफे, आपको कैसा लग रहा है फार्म पे आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, काफी सन्नाटा है, तो इसलिए मेरे को सन्नाटा ज्यादा पसंद है।
अच्छा क्यों? बस अच्छा लगता है, शोर नहीं है बिल्कुल भी, खामोशी, लंबी खामोशी होती है ना, लंबी खामोशी है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आम देखे आपने छोटे छोटे? हाँ मैंने पहली बार इतने छोटे आम देखे, कुछ ज्यादा ही छोटे थे ये सब। मैं आपको, आपको कैसा लग रहा है फार्म का ये विजिट? अच्छा मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो कामनेस है ना, जो सुकून आपको मिलता है यहाँ पे आके, और जो खामोशी, जो एक कहते हैं ना कि अंदर से ना हीलिंग हो रहा था बंदा, इतनी अच्छी यहाँ पे फीलिंग आती है गांव में आने के बाद, क्योंकि वो शहर की पी पाँ पूँ से आप दूर हो जाते हैं, पॉल्यूशन से दूर हो जाते हैं, यहाँ पे आते हैं कितना अच्छा माहौल आपको लगता है, और कहते हैं कि सुकून के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और अच्छा जी, तो अभी फ़िलहाल व्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है? काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, और आज डेली व्लॉग चैलेंज का फर्स्ट व्लॉग है, और इसी तरह मैंने 7 दिन ये व्लॉगिंग करनी है, तो देखते हैं आगे का कंटेंट क्या होगा। मज़ा बहुत आया और एंजॉय भी करा, और व्लॉग आपको कैसा लगा आपने बताना है कॉमेंट के अंदर, और सपोर्ट करना है क्योंकि डेली व्लॉग चैलेंज मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर ये कामयाब रहा 7 दिन तक और व्यूज़ अच्छे आए, रीच अच्छी मिली, तो मैं इसको और एक्सटेंड भी कर दूंगा। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा आपने कमेंट के अंदर बताना है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।